ये जो वीडियो होने वाली है क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है। जो एनएसए बच्चे हैं हमारे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको अभी तक ये श्योरिटी लेवल नहीं हुआ कि उनके एग्जाम कैंसिल हुए या नहीं हुए। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए सर हम पढ़ाई करें या ना करें। इस वीडियो देखने बाद ना पक्का श्योरिटी आपके दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे ना सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और क्या क्या डेटा आ रहे हैं हमारे पास जिससे भी आप पर हमें श्योरिटी लेवल होने वाला है कि हमारे एग्जाम क्या है कैंसिल होने वाले हैं। बहुत बड़ी अपडेट आज की आपको बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले स्टेप वन पे हम जा रहे हैं। स्टेप वन क्या हमारा जो महाराष्ट्र बोर्ड है हमारा क्लास 12 का बच्चों का उसमें क्या हो गया हमारा उनके एग्जाम क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। आज ही बहुत बड़ी अपडेट आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पता होना चाहिए। क्लास 12 का बच्चे जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के हैं उनके एग्जाम क्या हो रहे हैं कैंसिल हो चुके हैं। ये प्लस पॉइंट है एनएसए बच्चों के लिए। ये हमारा क्या है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एनएसए बच्चों के लिए। ये बहुत बड़ी अपडेट है याद रखना आपको। जिस तरह महाराष्ट्र बोर्ड में कैंसिल हुए हैं और भी बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम कैंसिल करे हैं तो एनएस साइड से बहुत बड़ी अपडेट आपकी आ सकती है। पहले स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो रहा हमारा वो बता रहा हूं मैं आपको। इसमें यह दूसरा स्टेप की हम बात कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड है। जी हाँ सही सुना आपने। यूपी बोर्ड में क्या हो रहा है हमारा यूपी बोर्ड में बता रहे हैं आपको। हाँ यूपी बोर्ड में क्या बोल रहे हैं यूपी बोर्ड में भी आ रही है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट क्लास 12 के बच्चों के लिए जिसमें साफ लिखा हुआ हमारा कि आज आइए। बहुत बड़ी अपडेट क्लास 12 वाले बच्चे जो यूपी में हैं उनके एग्जाम भी क्या हो रहे हैं कैंसिल हो चुके हैं। जैसे यूपी में बोर्ड के एग्जाम क्या हुए कैंसिल हुए ना मैं बहुत खुश हो गया। ऐसे में क्यों बोलूं क्योंकि एनएस साइड से ना बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमारा उठ गया क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है 12th वाले बच्चे क्या होंगे प्रमोट होंगे एग्जाम कैंसिल। दूसरा बता दिया मैंने यूपी में भी क्या हो गया हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया और एनएस बोर्ड में भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आएगा। क्यों नहीं आएगा क्योंकि यार ऐसा नहीं होता सारे स्टेट में एग्जाम कैंसिल सब जगह है। सेंट्रल बोर्ड जो हमारा सीबीएसई है उन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिए और एनएसए बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी सक्सेस चीज होगी हमारे लिए क्योंकि सारे बोर्ड जितने बोर्ड्स हैं ऑन एम धीरे स्टेप उठा रहे हैं और एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। वही एनएसए बच्चे जो है अभी तक बहुत परेशान हुए हुए हैं क्योंकि एनएस बोर्ड जो है ना बहुत लेट कर अपडेट दे रहा है बहुत ज्यादा लेट कहते हैं बहुत ज्यादा लेट इतनी अपडेट दे रहा है। पूछो मत जब बंदा मरने वाला होता है ना उस टाइम बताते हैं कि यार अब आप प्रमोट हो रहे हैं। अब भाई इस टाइम पे बताने फायदा क्या ये बताओ मुझे। सारे बोर्ड सामने आकर बता रहे हैं वही एनएस बोर्ड जो है ना अभी तो शांत होने बैठा हुआ है एकदम साइलेंट कह रहा है कि 20 जून हमने डेट दी हुई है तो 20 जून से पहले सामने नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है 20 जून से पहले बहुत बड़ी अपडेट आएगी क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं मेरी उनसे बात हुई उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो अपडेट है ना 15 जून से पहले पहले आ सकती है। जी हाँ सही सुना आपने 15 जून से पहले पहले बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है। दो स्टेप मैंने बता दिया आपको जिसके चक्कर में एनएस बोर्ड को भी एग्जाम कैंसिल करने होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट डेटा जो होते हैं ना वो बोल रहे हैं। जय मैं बताता हूँ आपको कि सच में ऐसे चीज हो पाएगी क्योंकि डेटा को एनालाइज करने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। अब मैं बताता हूँ तीसरे स्टेप पर जो बहुत बड़ा मजबूत पॉइंट हमारा होने वाला है जिसके बाद आप सबके फेस पर लंबी चौड़ी स्माइल पहले से ही आ चुकी है और ना चाहते हुए भी एनएस बोर्ड के एग्जाम कैंसिल करने होंगे। तीसरा पॉइंट हमारे इसमें यह है कि बहुत बड़ी अपडेट है देखो इस बार ध्यान से सीबीएसई। जी हाँ सही सुना आपने सही देख रहे हो आप आर्टिकल ये बहुत बड़ा आर्टिकल हमारा सीबीएसई इसके बिहाफ पर। आपको पता ही है सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हुए थे इससे बिहाफ मैंने वीडियो बनाई थी पहले भी आपको मैंने ठीक है। अब सीबीएसई वाले बच्चे ना बहुत खुश हुए थे जैसे अपडेट आई ना कि एग्जाम कैंसिल सीबीएसई बोर्ड थे तो इससे बाद देखने बाद ना बच्चे इतने खुश हुए पूछे मत। सीबीएसई वाले बच्चे बच्चे हैं एनएसए बच्चे बच्चे नहीं है क्या। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सीबीएसई वाले बच्चे बच्चे हैं सारे स्टेट वाले बोर्ड के जो बच्चे पेपर कैंसिल जिनके हो रहे हैं वो बच्चे बच्चे हैं। बाकी बोर्ड्स बाकी एनएस बोर्ड कहाँ पर जा रही है बताओ मुझे। तो एनएस बोर्ड को भी एग्जाम कैंसिल करने होंगे क्योंकि सीबीएसई ने ऐसा किया। सीबीएसई ने 10th का एग्जाम कैंसिल करे बाकी स्टेट ने एमपी ने एग्जाम कैंसिल करे तो फिर क्या किया एनएस बोर्ड ने बोल दिया कि क्लास 10th वाले बच्चों पढ़ाई आप कर रहे हो टॉपिक का बंद कर दो एग्जाम आपके नहीं हो रहे। अब चौथा फैक्टर हमारा ऐसा होने वाला है जिसके बाद आप कहोगे पक्का श्योरिटी एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं। आपके फेस पर लंबी चौड़ी स्माइल आ जाएगी एक बार आप देख लेना। जी हाँ गोवा बोर्ड ने भी ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी जिसमें जिसके बाद आपको ये मालूम पड़ी है कि पक्का श्योरिटी एग्जाम क्या होंगे कैंसिल होंगे। यहाँ सही लिख रहा हूँ गोवा बोर्ड में जो 12th के एग्जाम्स हैं वो क्या हो रहे हैं हमारे कैंसिल हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी अपडेट है एनएसए बच्चों के लिए क्योंकि हर स्टेट क्या है स्टेप बाय स्टेप एक स्टेट ने कैंसिल किया फिर दूसरे स्टेट ने कैंसिल किया तीसरे ने कैंसिल किया चौथे ने कैंसिल किया तो सारे स्टेट के स्टेप बाय स्टेप फैसला ले रहे हैं बोल रहे हैं कि एग्जाम क्या होंगे कैंसिल होंगे। तो एनएस बोर्ड के एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे।
अब आप उस मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या एनआईओएस में बच्चों के एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे? बिल्कुल, आप खुद कहोगे, दिल से लोग बोलोगे कि एग्जाम कैंसिल होंगे, पक्का श्योरिटी है, क्योंकि डेटा हमारे एनालाइज करने के बाद ही ऐसा डेटा आते हैं, और डेटा हमारे ये बोल रहे हैं कि पेपर क्या होंगे, कैंसिल होंगे, पक्का श्योरिटी है, 200% श्योरिटी है। देखो पढ़ना मत छोड़ो, नॉलेज से बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ाई में फायदा नहीं है, 12th के एग्जाम कैंसिल हो रहा है आपकी, मान लो पक्का श्योरिटी है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं कि 15 जून से पहले पहले बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, हो सकता है मेरा आईडी दर्द हो, शायद हो सकता है आप बोलो कि भैया आपने 15 जून से पहले बोला था, कल ही अपडेट आ जाए या परसों अपडेट आ जाए या उसके बाद वीडियो के बाद अपडेट आ जाए, कभी भी कोई भी अपडेट आ सकती है। जितने बोर्ड में जो आ रहे हैं, अपडेट जो आ रही है, किसी स्टेट ने बोर्ड में एकदम से मीटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया, भाई मोदी जी ने बोल दिया कि एग्जाम कैंसिल होने चाहिए क्लास 12 के बच्चों के, सीबीएसई ने बोला, सेंट्रल बोर्ड ने बोल दिया, भाई सेंट्रल बोर्ड पे पूरी तरह से फॉलो करता है, कॉपी करता है, कौन हमारा एनआईएस बोर्ड। तो एनएसओ बच्चों आप घबराओ मत, फेस पे लंबी चौड़ी स्माइल रखो, आराम से कूल डाउन होकर बैठो और आपके एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, ये पक्का प्रॉमिस है मेरा। अभी तो एक तो बहुत बड़ा फैक्टर मैं आप दे रहा हूँ जो हमारा 5वां होने वाला है, और उसके बाद आपके फेस पर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी स्माइल आने वाली है। ये मिठाई जो है और ये जो आपके आम दिखाई दे रहे हैं, ये खाना मत, ठीक है? और इसमें क्या है, ये सब जस्ट हमारा एडवर्टाइजमेंट है और कुछ नहीं की। अब इसमें क्या है, जो राजस्थान बोर्ड थे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखो ठीक है, राजस्थान बोर्ड के बच्चे भी बहुत खुश हो चुके हैं, क्योंकि उनके एग्जाम भी क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। अब देखो एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, राजस्थान बोर्ड भी खुश हो गया, सारे स्टेट बोर्ड खुश हो रहे हैं, और एनएस बोर्ड के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है, कभी भी अपडेट आ सकती है, लेकिन एग्जाम पक्का श्योरिटी कैंसिल होंगे। और एक और अपडेट मैं दे रहा हूँ बस लास्ट में, उससे बाद पक्का श्योरिटी रहेगी। देखो डेटा मैं पूरा क्या आपके लिए, जिससे बाद आपको प्रॉपर समझ में आया क्या है क्या नहीं है, आपके लिए सारे डेटा मेरे इकट्ठे करें, जिससे कि आपको प्रॉपर में आर्टिकल जो है लिखे, और जिससे बाद पक्का श्योरिटी हो जाए कि एग्जाम क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, उत्तराखंड ने बोर्ड कैंसिल कर दिए, इसके बाद तो मैं कह सकता हूँ कि पक्का श्योरिटी है। अब कौन बच्चा बोलता है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, कमेंट जरा बताओ। और उसके बाद 10 बच्चे रिप्लाई दो उस बच्चे का कि जो बच्चा ये बोल रहा है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, देखो जो यूट्यूब पर बोल रहा है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, मुझे बताओ उस बंदे नाम, मैं आपको डेटा के साथ बता चुका हूँ, जब मुझे लगेगा कि एग्जाम होंगे तो मैंने बता दिया आपको, जब मुझे लगा नहीं होंगे तो नहीं होंगे। क्लास 10 की सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिली थी, सब बंदे बोले कि नहीं अभी कोई अपडेट नहीं आए, 20 मई को आएगी, उससे पहले मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था आपको कि क्या बोल रहा, सीबीएसई ने एग्जाम कैंसिल, 10th क्लास बच्चों के, तो हमने भी बोल दिया था पक्का श्योरिटी एन एस बच्चों के एग्जाम भी क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ठीक उसी तरह आज मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, तो सारे बोर्ड स्टेट बोर्ड जितने भी हैं ये देखिए स्टेप बाय स्टेप के फैसला ले रहे हैं, और सारे बोर्ड कर रहे हैं 12th के एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, भाई कोई भी बोर्ड, भाई कोई भी जितने भी स्पोर्ट्स हैं और जितने भी स्टेट्स हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेने आता बिल्कुल भी, बच्चों के साथ नहीं खेलने आता बिल्कुल भी, और आपको मैं बोल रहा हूँ पक्का श्योरिटी एग्जाम आपके भी कैंसिल हो चुके हैं। बस देखो आपके लिए इतनी मेहनत करी, पूछो मत, और अगर आपको ये वीडियो रखनी है ना कि बहुत ज्यादा आपके दिमाग में डाउट्स थे, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो पाए, तो इस वीडियो लाइक करना, जूसी मत करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ऐसा मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि ये वीडियो शेयर करोगे ना, बहुत सारे बच्चे दिमाग में डाउट है, जिस तरह आप देख लो ना, आपके दिमाग में डाउट है, जब भी आप देख लो तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनके दिमाग में डाउट है, तो वीडियो क्या है, शेयर करो हर टाइम ग्रुप में, हर बच्चों वीडियो पहुंचाओ, जिससे कि उन बच्चों के क्या है डाउट क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच, और अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल विजिट करो, सब्सक्राइब करके बेटर बेस्ट है ना, जिससे कि आपको सारे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच वॉच वीडियो, इफ यू एनी डाउट सजेस्ट कमेंट बिलो, और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सुपर केयर।